नमस्ते, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ वासियों, आपके जहन में कई सवाल आ रहे होंगे कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में जो रुझान और नतीजे सामने आ रहे हैं उसके तहत क्या समीकरण है। बीजेपी की जीत लगभग हरियाणा में तय ही है। हरियाणा में रुझानों में बीजेपी को बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हरियाणा में बीजेपी 50 सीटों पर आगे चल रही है, कांग्रेस 34 सीटों पर आगे चल रही है। ये जो आंकड़े हैं ये नतीजे प्लस रुझान को मिलाकर है। कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। बीजेपी हेडक्वार्टर्स की बात करें वहां पर काफी संख्या में कार्यकर्ता जुटे हुए हैं और हरियाणा में इस वक्त जो आंकड़े सामने आ रहे हैं रुझान और नतीजों को मिलाकर बीजेपी को बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके मायने ये हैं कि हरियाणा में लगातार तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। एक और दिलचस्प बात यह है कि 2014-2019 के मुकाबले इस बार बीजेपी को और भी ज्यादा सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। अर्धशतक हरियाणा में बीजेपी लगाती हुई दिखाई दे रही है। इससे पहले जो आंकड़ा था उसके तहत इस बार बीजेपी की और भी बड़ी जीत नजर आ रही है। वहीं कांग्रेसी खेमे में मायूसी है। अगर हम बात करें सुबह की, हरियाणा चुनाव को लेकर सीएम मोहन यादव ने क्या कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। सीएम मोहन यादव ने कहा है कि चुनाव कांग्रेस का नहीं था, ये चुनाव राहुल गांधी के फेल होने का था। सभी निर्वाचित जन प्रतिनिधियों को बधाई देता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कार्य पद्धति का असर पड़ा है। जैसे कि हमको उम्मीद थी, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पिछले 10 वर्ष की सरकार ने जो काम किया, यशस्वी प्रधानमंत्री के कार्य पद्धति का जो असर पड़ा है और यही कारण है कि हरियाणा तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। मेरी अपनी ओर से हमारे हरियाणा के सभी भाजपा के नेताओं को, पदाधिकारियों को, माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, उनके सभी मंत्री और सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को मैं बधाई देने जा रहा हूँ, जो कि हम सब मिलकर विकास की बात करते हैं और विकास की बात जनता पसंद करती, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी में एक बार फिर कमल खिलने जा रहा है। हरियाणा चुनाव के नतीजों को लेकर एमपी बीजेपी में जश्न का माहौल है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा, हरियाणा में परिवारवाद की राजनीति को जनता ने नकार दिया। वीडी शर्मा ने कहा, पीएम ने पहले ही कहा था मध्य प्रदेश की तरह हरियाणा के परिणाम होंगे। हरियाणा में फिर कमल खिलने जा रहा है और मध्य प्रदेश बीजेपी दफ्तर में देखी जा रही है, यहाँ पर जश्न का माहौल है। सर, हरियाणा में फिर कमल खिलने जा रहा है? हरियाणा में कमल खिल गया है, जम्मू कश्मीर की जनता भी आशीर्वाद दे रही है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति उनके नेतृत्व को जनता का विश्वास है। प्रधानमंत्री मोदी जी के गरीब कल्याण और विकास को जनता ने आज साबित किया है और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कहा कि भारत की राजनीति में परिवारवाद और जातिवाद नहीं चलेगा, ये भारत के राजनीति के अंदर एक बड़ा कलंक है। लेकिन आज हरियाणा का चुनाव इसका एक आदर्श उदाहरण बना है। सारे परिवारवादी ताकतें समाप्त हो गई, सारे जातिवादी वाली ताकतें समाप्त हो गई और आज देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे गृहमंत्री माननीय अमित शाह जी के कुशल रणनीति, नड्डा जी के नेतृत्व में बूथ बूथ का कार्यकर्ता मेहनत तो परिश्रम करता है, आज उसका परिणाम है कि हरियाणा के अंदर भी इतिहास बनाए और जम्मू कश्मीर में भी जनता ने, फिर भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शन दोहराया है और कांग्रेस 11 से 7-8 पर आ गई। राहुल गांधी और कांग्रेस को जनता ने आईना दिखाया है, आईना। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही कह दिया था कि मध्य प्रदेश की तरह जो है हरियाणा के रिजल्ट होंगे चौंकाने वाले। आप देखिए, ये उन्हें प्रधानमंत्री मोदी जी को अपने काम पर विश्वास है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत और परिश्रम पर विश्वास है। हम तो एक भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है और हमारे मुखिया नरेंद्र मोदी जी ने जो इतिहास बनाया है ये आज हरियाणा ने, जनता ने उसको साबित कर दिया है। सर, सुबह से कांग्रेस जलेबी बना रही थी, तय मानकर चल रही थी उनकी जीत हरियाणा में। देखिए, वो तो जलेबी बना रही थी और राहुल गांधी तो जलेबी की फैक्ट्री लगा रहे थे, लेकिन हरियाणा की जनता ने उन्हीं की जलेबी बना दी आज। यहाँ जो है बीजेपी दफ्तर में देखेंगे, यहाँ पर जश्न का माहौल है। बीजेपी दफ्तर में जो है जश्न का माहौल देखा जा रहा है, फटाके फोड़े जा रहे हैं। हरियाणा में फिर से कमल का फूल खिलने जा रहा है। कैमरामैन कैलाश मालवी के साथ अनिल नागर, जी मीडिया, भोपाल। मध्य प्रदेश में जश्न की तस्वीरें आपने देखी। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की। यहां पर भी बीजेपी के कार्यकर्ता जश्न में डूबे नजर आ रहे हैं। हरियाणा में रुझान और नतीजों को मिलाकर एक बार फिर से बीजेपी की सरकार
बनने की खबर के साथ ही यहां पर माहौल खुशनुमा भी है और जोशीला भी है। बीजेपी कार्यालय की तस्वीरें आपको दिखाते हैं किस तरह से यहां पर जश्न का माहौल नजर आ रहा है। हाथों में झंडा लिए चेहरे पर खुशी की लहर है और ढोल नगाड़ों का शोर है। ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की हैं। देश भर से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं बीजेपी मुख्यालय की, जगह जगह से कार्यकर्ता खुशी मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। हरियाणा में जिस तरह से तीसरी बार लगातार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, जम्मू कश्मीर और हरियाणा में अब तक जो रुझान और नतीजे सामने आए हैं इस पर जरा विश्लेषण करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, कांग्रेस प्रवक्ता रोशनी यादव जी, बीजेपी प्रवक्ता ब्रजगोपाल लोया जी और वरिष्ठ पत्रकार सत्यप्रकाश शर्मा जी। मैं आप तीनों मेहमानों का स्वागत करता हूं और सबसे पहला सवाल रोशनी यादव जी आपसे बनता है। रोशनी जी, आज एक बड़ी लाइन प्रचलित हो रही है, लोग कह रहे हैं वक्त बदल गया, हालात बदल गए, सुबह क्या था और दोपहर होते होते क्या हो गया है। बीजेपी की सरकार हरियाणा में तीसरी बार बनने जा रही है, 2014-2019 के मुकाबले और भी बेहतर परिणाम लेकर आ रही है, आपकी टिप्पणी। देखिए, मुझे लग रहा है थोड़ी देर हम लोग और इंतजार करेंगे क्योंकि अभी कई जगह जो कांग्रेस के प्रत्याशियों का, मैं आपको रुकना चाहूंगा, केंद्रीय मंत्री की प्रतिक्रिया आ रही है, खट्टर कुछ कह रहे हैं, उसके बाद और केंद्र की जो हमारी उपलब्धियां सब मिला करके और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर, हमारे नेता के काम पर, हमारी नियत पर, सबके ऊपर जनता ने बोल लगाई। क्या सर, धन्यवाद। मुख्यमंत्री भी भारतीय जनता पर हरियाणा में होंगे? धन्यवाद। एक बड़ी दिलचस्प बात है, नायब सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री जब सुबह के वक्त ये कह रहे थे कि अगर हार हुई तो मेरी जिम्मेदारी होगी, लेकिन पासा पलट गया 2-3 घंटे में। रोशनी यादव जी, अपनी बात जारी रखिए। अगर हम पूर्व के चुनाव का अगर सर्वे देखें, एग्जिट पोलों का सर्वे देखें, तो जिस तरह से हर जगह नेताओं से लेकर के सब जो है कांग्रेस के पक्ष का एग्जिट पोल रखते हुए नजर आ रहे थे, अब रिजल्ट के जो परिणाम नजर आते हुए दिखते हैं, तो मुझे लगता है थोड़ा और हम इंतजार करेंगे। जो फाइनल टच रहेगा, उस फाइनल टच का बिल्कुल इंतजार होगा कांग्रेस के पूरे परिवार को। तो मुझे लगता है कि थोड़ा, क्योंकि कई जगह से अभी जो चुनाव के रिजल्ट आ रहे हैं तो कहीं 400-500 का ऐसी कई सीटें हैं जिस पर डिफरेंस नजर आ रहा है, तो मुझे लगता है कि शायद उस मुझे थोड़ा सा हम लोगों को इंतजार। ठीक है, कांग्रेस की उम्मीद अभी भी बरकरार है। ब्रजगोपाल लोया जी, एग्जिट पोल की बात करें तो लोकसभा चुनाव में जो एग्जिट पोल आए थे उसने आपको धोखा दे दिया था, इस बार अब जो एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं कांग्रेस को धोखा मिल गया। हमने कभी नहीं कहा कि एग्जिट पोल पूर्णतः वैज्ञानिक है या पूर्णतः सत्य है, मगर हम किसी की समीक्षा को भी असत्य बताने का प्रयास नहीं करते। हम तो राजनीति में इस भावना से काम करते हैं कि हम अपना काम कर रहे हैं, राष्ट्र के गौरव को बढ़ा रहे हैं, लोगों का विकास कर रहे हैं, लोगों के जीवन स्तर को सुधारने का प्रयत्न कर रहे हैं। चुनाव में जीतना और हारना एक ही सिक्के के दो पहलू है, हमारे लिए बहुत बड़ी बड़ी चीजें नहीं है। आज ही दो परिणाम आ रहे हैं, एक जगह जम्मू कश्मीर में और एक जगह हरियाणा में। हरियाणा में हम जीत रहे हैं और जम्मू कश्मीर में हम हार रहे हैं, परंतु इस हार को और जीत को भी दोनों को ठीक से देखना पड़ेगा कि जहां हम हार रहे हैं वहां सिर्फ एक सीट खो रहे हैं पिछले चुनाव की दृष्टि से, और हमने अपनी सीटों को कायम रखा है। और हरियाणा का जहां तक सवाल है तो हम पिछले चुनाव के मुकाबले 10 सीटें अधिक जीत रहे हैं, ये विश्वसनीयता है भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा की और जो कहते हैं उसको करने की। जो हम कहते हैं कि हम दलित आदिवासी और जो हमारा अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ा वर्ग है उसके कल्याण की बात करते हैं, हमने हरियाणा में उन्हें ही मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। कांग्रेस पार्टी ने बातें तो इनकी करी, परंतु मुख्यमंत्री का चेहरा नेतृत्व किसे दिया, किस तरह जो उनके दलित नेता थे, अनुसूचित जाति के नेता थे, उनकी किस तरह अनदेखी की गई, ये सब समझ में आता है। जो लोग आज सुबह जलेबी के खेलों पर खड़े होकर जलेबी बना रहे थे, कुछ भोपाल में भी बना रहे थे, उन्हें जलेबी के रस में अब मिठास की जगह खटास दिखाने लगी। तो ये हमारा मानना ये है कि राजनीति में जनता के निर्णय को स्वीकार करना चाहिए, पूरे हृदय से स्वीकार करना चाहिए। यदि कभी हार, ब्रजगोपाल जी, क्या आज आप जलेबी खाएंगे क्या? नहीं, निश्चित हम तो रोज खाते हैं, परंतु किसी को झूठ और भ्रम की जलेबी में नहीं रखना चाहिए। सत्यप्रकाश शर्मा जी, यहाँ पर बीजेपी कह रही है कि सत्य की जीत हुई है और झूठ की पराजय हुई है,
अब जरा विश्लेषण कीजिए, हरियाणा में पिछले 48 घंटों में कांग्रेस ही खेमे में खुशी की लहर थी, राहुल के दौरे को लेकर चर्चा की जा रही थी, बहुत फायदा हुआ इस बार, बीजेपी खेमा कंफ्यूज था, लेकिन जो आंकड़े आए हैं पासा पलटता हुआ नजर आ रहा है। वहीं जम्मू कश्मीर की बात करें तो 29 सीटें बीजेपी को मिलते हुए दिखाई दे रही हैं, इस पर आपका आकलन दोनों बातों पर? देखिए दिव्यांश जी, 48 आवर्स की बात ना की जाए, अर्ली ट्रेंड्स में भी कांग्रेस बहुत आगे दिख रही थी, लेकिन देखिए आपको याद होगा मध्य प्रदेश में 2023 में असेंबली इलेक्शन हुई, यहां पर भी एंटी इनकम्बेंसी नजर आ रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप के डिसीजन जिसमें उसने सीएम फेस अनाउंस नहीं किया, दूसरी तरफ देखते हैं चाहे उत्तराखंड हो या गुजरात हो या फिर हरियाणा हो, लास्ट मोमेंट पर आप देखते हैं कि वहां पर सीएम चेंज कर दिया जाता है। ये कड़े डिसीजन लेने वाली पार्टी ही कहीं ना कहीं वक्त की नजाकत को समझ पाई और उसने एंटी इनकम्बेंसी को कहीं ना कहीं प्रो इनकम्बेंसी में बदल दिया। देखिए एक चीज तो मानना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी संगठन की एक बड़ी ताकत है कि जब वो इनवर्स सिचुएशन देखते हैं तो संगठन की अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं, जिसका रिजल्ट में आपको दिख रहा है। भले ही अभी ट्रेंड है लेकिन मुझे लगता है कि वहां बीजेपी क्लियर मेजोरिटी की तरफ जा रही है। अगर आप बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर की, वहां पर भले ही वो हार रही हो लेकिन एक चीज तो है कि उसने दो चीज जो इंप्लीमेंट की है, एक तो वहां स्टेटहुड हटाकर यूनियन टेरिटरीज बनाना और 370 आर्टिकल को डिमोलिश करना, ये कहीं ना कहीं वहां की पब्लिक ने जो पिछले बार उनके साथ थी इस बार भी उनके साथ दिखाई दे रही है, ऐसा कि उनके वोट शेयर में देखा जा सकता है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि भारतीय जनता पार्टी की भले ही वहां सरकार ना बन रही हो लेकिन उसका जो एजेंडा है वो कहीं ना कहीं प्रूव्ड हुआ है। लेकिन एक चीज जरूर है, वहां मेजोरिटी में मुस्लिम है, आज अपोजिशन पार्टीज के द्वारा एक चीज जरूर मजबूती से उठाई जा रही है कि रूलिंग बीजेपी या बीजेपी जहां भी है वो कहीं ना कहीं एंटी मुस्लिम है, इस चीज को कामयाब करने में या अपने परंपरागत वोट को, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या कांग्रेस हो, दोनों ने ही जम्मू एंड कश्मीर में उनको वापस लाने की बड़ी कवायद यहां पर की है। ठीक है, लेकिन एक चीज जरूर है कि नेशनलिज्म एक ऐसा मुद्दा रहा है जो भारतीय जनता पार्टी को 303 तक ले गया, वो मुद्दा भी कहीं ना कहीं श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा उसी जमीन पर उठाया गया था। तो कहने का तात्पर्य है जो शून्य पर कभी पार्टी रही हो उस पार्टी ने अगर 29 सीट्स लेके आती हो इस ऐसी सिचुएशन में, जब उसने हाल ही में लोकसभा चुनाव में उसका परफॉर्मेंस बिल्कुल अच्छा नहीं रहा हुआ, तब ये कहा जा सकता है कि बीजेपी के ये दोनों जो डिसीजंस थे वो कहीं ना कहीं कामयाब। ठीक है, किसका मंगल हरियाणा से ये क्वेश्चन मार्क फटता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन रोशनी जी कह रही है कि उम्मीद अभी बरकरार है। रोशनी जी देखिए, ये तो आपको मानना पड़ेगा कि अभी तक जो रुझान और नतीजे सामने आए इतना तो पलट नहीं जाएगा कि अचानक से कुछ बदलाव एकदम से हो जाएगा। अब बड़ा सवाल ये है, कहां चूक हो गई, कहां गड़बड़ हो गई हरियाणा में? देखिए अगर हम सुबह के रिजल्ट और परिणामों की बात करें तो कांग्रेस बिल्कुल आगे चल रही थी और कई एग्जिट पोल में लगातार आगे चलते रहे, उसके बाद एकदम से जो है टर्न लेते हैं और उसके बाद थोड़ा सा पीछे नजर आते हैं। और अभी मैं बीजेपी प्रवक्ता भाई की बात सुन रही थी, ये जिन सिद्धांतों की और अनुशासनों की बात कर रहे थे, तो मैं जरा याद दिलाना चाहूंगी और उनको थोड़ा पीछे जाना चाहिए कि इनको सत्ता का और जनता के जो है उसको स्वीकारते हैं, मतों को स्वीकारते हैं, तो 2018 भी इनको जरा याद करना चाहिए कि किस तरीके से इनको लालच की गद्दी का मोह था कि 2018 में इन्होंने सरकार को गिराकर और किस तरीके से रोशनी जी इस मुद्दे पर तो हम कई बार डिबेट कर चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं, लेकिन चुनावों में तो जो जीता वही सिकंदर। 2023 और अन्य परिणामों की जो बात रखी है, और एक और मैं बात आपसे कहना चाहूंगी कि जो जाति विशेष की जो बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा में परिवारवाद के मुद्दे पर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला था जी। देखिए शर्मा जी भी कह रहे हैं कि परिवारवाद को हरियाणा ने नकार दिया, इस पर आपकी टिप्पणी?
देखिए मैं जरूर ये कहूंगी कि आपने मोदी जी के वक्तव्य में भी सुना होगा, जब इनको चुनाव लड़ना होता है एक बार तो ये अपने कथनों पे नहीं रहते। एक जगह ये कहते हैं कि मैं पिछड़ा हूं, मुझे चुनाव जीतना था 2014, फिर 2019 का चुनाव आता है तो खुद को कहते हैं अति पिछड़ा। आज मैं बिल्कुल स्वीकारूंगी हरियाणा का जो भी रिजल्ट होगा, और मुझे लगता है कि ये बहुत जल्दी होगा कहना, क्योंकि अगर वोटिंग परसेंटेज हम अभी तक हरियाणा का देखें, हरियाणा इलेक्शन का, तो उसमें कांग्रेस कहीं पीछे नजर नहीं आती है। आर्टिकल 370 जो देश भर में चर्चाओं का विषय भी रहा है, बहस का मुद्दा भी रहा है, लोया जी जम्मू कश्मीर में 29 सीटें और आर्टिकल 370 पर एक लंबी चौड़ी बहस देश भर में हुई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिप्पणी की हम बात करें, पीडीपी की बात करें, बहुत सख्त टिप्पणी इन्होंने आर्टिकल 370 को लेकर दी है। देखिए दो बातें बड़ी स्पष्ट आपसे कर दूं, कांग्रेस पार्टी हो या उनके सहयोगी दल, ये हमेशा राज्य के चुनाव में उन चीजों की घोषणा करते हैं जो राज्य का विषय नहीं। आर्टिकल 370 की वापसी का नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वादा किया है, परंतु ये सब सर्वविदित सत्य है कि वो राज्य सरकार का अधिकार क्षेत्र नहीं है। एक और काम उन्होंने कहा है कि यदि हम सरकार में आए तो पाकिस्तान से बातचीत होगी, तो क्या पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर की सरकार बात करेगी? पाकिस्तान से यदि बात करेगी या नहीं करेगी, इसका निर्णय केंद्र की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी करेंगे। तो कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगी हमेशा झूठ बोलने का काम, भड़काने का काम, आपको याद होगा हरियाणा में ये कह रहे थे कि किसान, जवान और पहलवान भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। आज तीनों ने जवाब दे दिया कि वो वास्तव में किससे नाराज है। जो वास्तविक किसान है उसे मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व ने उन्हें फसलों का उचित दाम दिलाया है, किसानों को सम्मान दिलाया है, और ये भी मालूम है कि जवानों को सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। तो एक होते हैं मुद्दे वास्तविक और कुछ मुद्दे। ठीक है, आप इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच पहुंचे और उसके नतीजे आंकड़ों में सामने आ रहे हैं। सत्यप्रकाश जी, मेरा सवाल आपसे भी है आर्टिकल 370 को लेकर। नेशनल कॉन्फ्रेंस का फारूक अब्दुल्ला का जो बयान रहा है आर्टिकल 370 को लेकर, क्या कांग्रेस इस मुद्दे पर बीच मजहार में फंस सकती है, या फिर नेशनल पॉलिटिक्स को देखते हुए वो क्या स्टैंड लेगी आर्टिकल 370 को लेकर, जिस तरह से हम लगातार बयान सुन रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। देखिए, पहली चीज तो ये है कि ये स्टेट सब्जेक्ट नहीं है। भले ही ये मेजोरिटी में हो, सरकार बना ले, लेकिन एब्रोगेशन या इंप्लीमेंटेशन ऑफ आर्टिकल 370 इनके हाथ में नहीं है। एक प्रस्ताव जरूर भेज सकते हैं, लेकिन वो सेंटर के हाथ में गेंद है। अब समस्या आपने एक बहुत अच्छी चीज कही है कि कांग्रेस क्या करे, क्योंकि कांग्रेस को केवल जम्मू एंड कश्मीर में थोड़ा चुनाव लड़ना है, उन्हें तो देश के पूरे देश में चुनाव लड़ना है। ऐसे में केवल कश्मीर में धारा 370 का राग अलापना कांग्रेस के लिए फायदेमंद नहीं हो सकता है, लेकिन उसकी उतनी सीट्स नहीं है वहां पर। नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये मुद्दा मजबूत है क्योंकि उनके साथ केवल वो एक स्टेट में चुनाव लड़ते हैं, उनकी पार्टी भी J&K NC है, तो ये कहा जा सकता है कि उनके लिए तो वो फिजिबल है, लेकिन कांग्रेस के लिए ये कहीं ना कहीं आज के युग में जब हिंदुत्व का मुद्दा, नस्लिज्म का मुद्दा जोर पकड़ रहा हो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, ऐसे में अगर इस मुद्दे के साथ वो जाते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा दिग्विजय सिंह जी ने एक बयान दिया था जम्मू एंड कश्मीर में जब भारत जोड़ो यात्रा का वहां समापन था, तो राहुल गांधी ने उसमें क्लैरिफिकेशन देना पड़ा था। तो ये तो स्पष्ट है कि आपको लगता है कि कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर पूरे देश में अपना प्रोपेगेंडा नहीं बनाना चाहेगी। ठीक है, मैं जरा हरियाणा की बात करना चाहूंगा। रोशनी जी, हरियाणा में पहलवानों का मुद्दा था, जाट का मुद्दा था, जाट वर्सेस नॉन जाट का जो सियासी समीकरण था उसे साधने के लिए बीजेपी ने जो रणनीति बनाई थी वो तो कामयाब हो गई, लेकिन आपने जिन मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार को घेरा, आपने केंद्रीय मंत्री तो को घेरा था जो डिजाइन कर चुके हैं, और भी कई ऐसी बातें थी जिसको लेकर पहलवान सड़क पर आ गए थे, और भी किसानों का मुद्दा था, जनता ने तो सारे मुद्दों को नकार दिया, कमल खिलता हुआ नजर आ रहा है। जिन पहलवानों की आप बात कर रहे हैं, मैं बहुत बधाई देना चाहूंगी, वो पहलवान बहन जीत करके आई है। और अभी भी मैं ये कहूंगी कि बीजेपी जिस सभ्यता और संस्कार की बात करती है, अभी आपने
उन्हीं केंद्रीय मंत्री का ब्रजभूषण जी का बयान सुना होगा, किस तरीके से वो उन पहलवानों को खलनायक कह रहे हैं, तो क्या ये जीत का गुरूर और इस तरह का अभिमान लेकर के आप चलेंगे कि उन जो बहन आपको भारत देश में जो गौरव सम्मान दिलाते हैं, जो पहलवान हरियाणा से सबसे ज्यादा पहलवान मेडल जीत करके आते हैं, जो भारत देश को गौरव दिलाने का काम करते हैं, आप उनको खलनायक बता रहे हैं, क्या यही भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी है? तो मुझे लगता है कि अभी देखिए जाट और नॉन वर्सेस जाट का तो कोई मुद्दा ही नहीं था चुनाव में, और इससे पहले कहीं भी मीडिया में ये किसी तरीके से कोई इस बात की बात ही नहीं कर रहा था, लेकिन आज जब चुनाव परिणाम थोड़े से डिफरेंट नजर आते हैं तब ये जाट नॉन वर्सेस जाट की बात होने लगती है। तो मुझे लगता है कि ठीक है, इस बात पर हमारे सीनियर लीडर बैठ के और हम सब इस बात पर जरूर चिंता करेंगे कि ग्राउंड में ऐसा क्या घटित हुआ है, क्योंकि जहां तक हमारे सर्वे की बात थी, नेताओं की बात थी, रोशनी जी जनता की बात थी, सबसे जो देखिए कांग्रेस पार्टी कोई भी हो, रोशनी जी मैं थोड़ा इंटरफेयर कर रहा हूं आपको, पार्टी कोई भी हो, कभी किसी की जीत होती है, कभी किसी की हार होती है, लेकिन चुनावी रणनीति बहुत अहम होती है। कुछ पुरानी बातें याद करनी पड़ेंगी, शैलजा जी नाराज चल रही थी, अभी हुड्डा जी कह रहे थे ना मैं टायर्ड हूं ना रिटायर्ड हूं, आप देख लीजिए मुझे, तो मुख्यमंत्री पद को लेकर चर्चा हो रही थी। तो क्या अंदर खाने की जो गुटबाजी है या फिर जो खमासान था उसका भी ये नतीजा रहा? देखिए कहीं देखिए एक अगर कोई परिवार है, और मैं बिल्कुल कांग्रेस पार्टी की इस बात को बहुत अच्छा मानती हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने नेताओं में कार्यकर्ताओं में इतनी स्वतंत्रता देखे रखी है कि वो अपनी बात को पूरी खुलकर अपनी बात को पार्टी प्लेटफॉर्म पर रख पाते। बीजेपी की तरह नहीं है कि इनके लीडर ने अगर एक चीज कह दी तो फिर आपको सबको मौन हो जाना है और उसी का राग अलाप करना है। तो कम से कम ये कांग्रेस में नहीं है, और जिसकी आप बात कर रहे हैं नाराजगी की या किसी भी मुद्दे, ठीक है, मैं आप तीनों विमानों का शुक्रिया करना चाहूंगा, उत्साह का माहौल है और साफ तौर से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बीजेपी का पक्ष क्या है, कांग्रेस का पक्ष क्या है, लेकिन जो उत्साह की तस्वीरें सामने आ रही हैं